सरफेस थ्रिलर है, मतलब जैसे आप पलक झपकाएंगे ना दूसरा सीन शुरू हो जाएगा और आप बोलेंगे अरे ये हुआ है अरे वो हुआ है। तो ऐसा हमारा शो है, फास्ट पेस थ्रिलर है, एक रॉ एजेंट की कहानी है और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि एक केस होता है जो चंद दिनों में चंद महीनों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा केस है जो 19 सालों तक चलता है और एंड में क्या होता है ये आप जब सीरियल आई मीन जब नहीं वेब ऑफ शो कोर्स लॉन्च हो हम देखना जाएगा चाहेंगे क्योंकि तो ये कहानियां जो होती हैं ऑन द एज, मतलब लगता है अब क्या हो। कंप्लीटली ऑन द एज। और आपको तो पता है नीरज जी और शिवम नायर सर जो शूट करते एब्सोल्युटली हैं इट्स इट्स रियली फन और इट रियली टेस्ट योर फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, सो इट वाज फैबुलस टू शूट विद देम। मजा आया, बहुत आई एम मजा आया। श्योर। पत्नी का किरदार, मतलब अगर फ्रंट में कोई कुछ कर रहा है तो उनकी वाइफ का जो जो हिस्सा होता है उसमें कहीं ज्यादा होता है। ऐसे में गौतमी ने क्या महसूस किया इस किरदार को करके? घर में हमारी एक बेटी है 16 साल की, तो अडोलेसेंट बेटी की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उनके जो पापा है वो रॉ एजेंट है, तो वो हमेशा रॉ एजेंट की नज़रों से ही सब कुछ देखते हैं, बहुत ही सस्पिशियस है। तो होम फ्रंट पे मैं पापा और बेटी के बीच में सुलह करने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें भी काफ़ी सारे ट्विस्ट है जो मैं बताना नहीं चाहूँगी बिकॉज वो राज खुल जाएगा, सो आई जस्ट कीप इट एट दैट। नीरज के साथ काम करना, क्योंकि नीरज रियलिस्टिक फिल्में करते हैं और जिस जी तरह की जी फिल्में जी उन्होंने दी हैं आज तक, तो जी एक विश्वास जो है वो और बढ़ जाता है। और ये जो सब्जेक्ट है आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कैन पुल इट ऑफ लाइक हिम। एब्सोल्युटली नॉट। एंड इट्स बिन शॉट इन सो मैनी लोकेशंस एंड इट्स सो वाइडली शॉट दैट यू नो हम लोगों को भी लगा अरे बाप रे अभी दिल्ली में शूट कर रहे हैं, मुंबई में शूट कर रहे हैं, फिर सीरिया में शूट कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया अमेरिका में शूट। सो इट्स 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 अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एंड दे आर लॉट ऑफ एक्टर्स, सो बट ओनली ही कैन डू इट बिकॉज यू नो ही इज फैबुलस, ही इज रियली यस गुड। यस वन थिंग, अगर एक चीज मैं आपके मतलब वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलूं या वन पीस ऑफ थिंग विच कैन यू नो पुल द ऑडियंस, व्हाट वुड दैट बी? दैट वुड बी दैट दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रॉ एजेंट एंड द केस लास्ट फॉर 19 ईयर्स एंड इन दोज 19 ईयर्स वॉट ऑल नॉट ओनली दैट एजेंट बट जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, मतलब जो फैमिली जुड़ी है, जो उनके असिस्टेंट्स है, सबॉर्डिनेट्स है, पुलिस है, मिनिस्टर्स है, जो उनके साथ सारे लोग जुड़े हैं, इट दे गो थ्रू सो मैनी अप्स एंड डाउन्स एंड फाइनली वेन इट कल्मिनेट्स इट्स 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 जस्ट अमेजिंग। इट्स अमेजिंग बिकॉज इट्स अ जर्नी फॉर 19 ईयर्स एंड यू कैन सी द मैन स्ट्रगल, द मैन्स हेल्पलेसनेस, द मैन्स जॉय वेन ही फाइनली यू नो वेन फाइनली पीपल बिलीव हिम एंड ही यू नो ही मैनेजेस टू अचीव वॉट ही इज सेट आउट टू यू नो सेट आउट टू प्रूव। इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट अ हाई, इट्स जस्ट एंड्स ऑन अ हाई। वैसे गौतमी, आपने इतना टीवी किया है और अब वेब सीरीज, कैसे देखते हैं इस ट्रांजिशन को? और अगर टीवी की बात करूं, क्या कुछ हो रहा है उस फ्रंट? आई थिंक टीवी फिलहाल बहुत स्टैगनेंट हो रहा है बिकॉज रिग्रेसिव ही होता जा रहा है, तो वेब स्पेस काफ़ी सारा मतलब वेब में बहुत सारी तरक्की हो रही है एंड फॉर एन एक्टर इट्स अ वंडरफुल स्पेस टू बी इन बिकॉज मैं ठीक हूँ। सो इट्स अ वंडरफुल फेस टू बी इन बिकॉज एक्टर्स प्रोडक्शन एवरीबडी गेट्स टू डू सो मच मोर एंड एक्सप्लोर सो मच मोर। लाइक दिस कैरेक्टर, दिस इज माई फर्स्ट वेब शो, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड एंड आई एम एक्चुअली वेटिंग टू सी यू नो हाउ इट कल्मिनेट्स एंड ही हैजंट सीन इट बट ही इज रियली हैप्पी दैट आई फाइनली आई एम गेटिंग टू डू सम वेब एंड ही इज रियली हैप्पी दैट दिस स्पेस इज ओपनिंग अप फॉर मी, सो एम आई एक्चुअली। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।